हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। दिस इज इंग्लिश ग्रामर बुक ऑफ क्लास सेवन्थ। आई वाज टीचिंग सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड आई हैव टॉट यू इन माय लास्ट वीडियो नाउन एंड इट्स काइंड। टुडे वी शैल रीड नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन। फर्स्ट नंबर। ऑन द बेसिक ऑफ नंबर एंड क्वान्टिटी नंबर्स आर अप टू काइंड्स। नंबर्स के कितने काइंड्स होते हैं? टू काइंड्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन आर द नाउन डेट कैन बी काउंटेड। दीज कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल। काउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट कर सकें, और ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेंबर ऑफ देयर काइंड आर क्लास, जो केवल एक मेंबर को रिप्रेजेंट करें। जैसे एग्जाम्पल, मैन, गर्ल, एनिमल, बुक, ये सब जो एक को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट मोर देन वन मेंबर ऑफ देयर काइंड आर क्लास, जो मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करे वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर प्लूरल नाउन। जैसे मैन, गर्ल्स, एनिमल्स, बुक्स। अब नेक्स्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट ना किया जा सके। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स आर डेट कैन नॉट बी काउंटेड। दे मेनली डिनोटेड सब्सटेंस विच है बल्क बट नॉट नाउंटेबल। नाउन क्या होते हैं? जिसको काउंट ना किया जा सके। किसी भी सब्सटेंस वर्स को एक नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क, बल्क मतलब थोक में, बहुत ज़्यादा भाव में। एज एग्जाम्पल, जैसे वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, ऑयल, हेयर, शुगर, ये सब क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट ना किया जा सके। नेक्स्ट जेंडर। ऑन द बेसिक ऑफ जेंडर नाउन्स आर कैटेगरी एज मैस्कुलिन, कॉमन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। जेंडर को, नाउन जेंडर को फोर पार्ट में बांटा गया है, एक मैस्कुलिन, कॉमन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। अब ये चारों क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट द मेल मेंबर्स ऑफ वेरियस स्पेसेस। क्या किसी भी जाति को जो मेल को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैन, मैन क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। बॉय, डॉग, ऑक्स, जो मेल को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर इंडिकेट फीमेल मेंबर ऑफ वेरियस स्पेसेस, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे। जैसे वोमेन, वोमेन औरत, ये क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। गर्ल, क्वीन, ये सब क्या हो जाएंगे? फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल और फीमेल। दीज नाउन आर कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जिसमें क्या मेल एंड फीमेल में अंतर ना किया जा सके। जैसे जिसमें कॉमन हो, जैसे एग्जाम्पल, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा। अब ये मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। टीचर, टीचर क्या मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉमन जेंडर। ऐसे जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर इंडिकेट द ओनली लाइफलेस थिंग। न्यूट्रल जेंडर लाइफलेस थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टोन, चेयर, नाइफ, कार, होम, ये सब क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट केसेस ऑफ नाउन। नाउन के कितने केस होते हैं, कैसे इनको व्यक्त किया जाता है? एक नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब नाउन को एज ए सब्जेक्ट के रूप में व्यक्त किया जाए तो नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? जब नाउन को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्त किया जाए। और पॉजेसिव केस, जिसमें पोजेशन या ओनरशिप दिखाया जाए। फर्स्ट देखते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, व्हेन ए नाउन इज यूज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज सेड टू बी द सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस।
जब नाउन को एज ए सब्जेक्ट के रूप में, जैसे अरुण बॉट ए सारी ऑफ फॉर हर मदर, तो अरुण यहाँ नाउन है, यहाँ एज ए सब्जेक्ट हुआ है, तो यहाँ एज ए सब्जेक्टिव यूज हुआ है। द टेबल्स इन द रूम, द टेबल्स इन द रूम आर ऑल न्यू, तो द टेबल्स इन द रूम यहाँ क्या है, टेबल एज ए सब्जेक्टिव यूज हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आर ए प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी ए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जब नाउन एज ए ऑब्जेक्टिव, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। एज ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे दिया है यहाँ, ऋषि प्रेजेंटेड हिज वाइफ विथ ए ब्यूटिफुल नेकलेस ऑन हर बर्थडे। अब यहाँ क्या, प्रेजेंटेड वर्ब है और हिज वाइफ, यहाँ वाइफ भी क्या है नाउन, और ए ब्यूटिफुल नेकलेस, नेकलेस भी क्या है नाउन। तो ये वाइफ क्या, वाइफ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नेकलेस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये अब क्या हो गया, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जब नाउन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। एज ए ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। एंड नेक्स्ट इज पोजेसिव केस, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन शो द पोजीशन अथॉरिटी ओरिजिन इटीसी विथ द हेल्प ऑफ एस्ट्रोफी इट इज सेड टू बी अ पोजेसिव, पोजेसिव केस। एज एग्जाम्पल, टैगोर गीतांजलि इज ए फेमस क्रिएशन। अब टैगोर गीतांजलि, टैगोर की गीतांजलि जो गीतांजलि लिखे हैं, तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, तो यही यहाँ पे नाउन क्या हुआ है, पोजेसिव केस में है। जहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगा के यूज हो नाउन, वो पोजेसिव केस होगा। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द नाउन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट द सी फॉर काउंटेबल नाउन एंड यू सी फॉर अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स हियर आर गिवन सम सेंटेंसेस, फाइंड आउट नाउन एंड राइट सी फॉर काउंटेबल नाउन, यू सी फॉर अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स पहले आप लोग को इसमें नाउन को ढूंढना है, नाउन को अंडरलाइन करने के बाद अगर वो काउंटेबल नाउन है तो आप लोग क्या लिखेंगे, सी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो यू सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइन नाउन्स, राइट एम फॉर द मैस्कुलिन, एफ फॉर फेमिन, सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर द न्यूट्रल जेंडर। इन दिस पैराग्राफ ऑल नाउन्स आर अंडरलाइंड, इस पैराग्राफ में सभी नाउन को क्या कर दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है। फाइंड आउट विच टाइप्स आर दीज नाउन्स आर, अब हमको क्या करना है, ये जो भी नाउन्स है हमको पता लगाना है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिन है, कॉमन है या न्यूट्रल है। अगर मैस्कुलिन होगा तो उसके ऊपर एम लिख देंगे, फेमिन होगा तो एफ, कॉमन होगा तो सी, न्यूट्रल होगा तो एन। नेक्स्ट इज अंडरलाइन द नाउन विथ एन सी फॉर नॉमिनेटिव केस, ओ सी फॉर ऑब्जेक्टिव केस एंड पी सी फॉर पॉजिटिव केस। इन दिस सेंटेंस हमें क्या करना है, नाउन को बताना कि नाउन कैसे यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में या पॉजिटिव केस में। अगर नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है तो एन सी राइट करना है, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ तो ओ सी राइट करना है, और पॉजिटिव केस में हुआ तो पी सी राइट करना है। स्टूडेंट कंप्लीट एक्सरसाइज, इट इज योर एच डब्ल्यू। थैंक यू।